बैंक ऑफ इंडिया भी ऑफलाइन कुल 214 खाली पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया अजानीठर सितंबर से शुरू हो गई है और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। इच्छुक उम्मीदवार बैंक ऑफ इंडिया को इन पर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा आयोजित करने की तिथि अभी जारी नहीं की गई है। उम्मीदवारों को इंटरव्यू के बाद एक ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से चुना जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों को 150 मिनट में 175 सवालों के जवाब देने होंगे। परीक्षा में अंग्रेजी भाषा से 50 प्रश्न और बैंकिंग उद्योग के संदर्भ में सामान्य जागरूकता होगी। बाकी 75 सवाल प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन से होंगे। सही उत्तर के लिए उम्मीदवारों को एक अंक दिया जाएगा और गलत लोगों के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। चयन प्रक्रिया इंटरव्यू के लिए अधिकतम अंक 100 और GD 30 अंकों की होगी। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक अनुभाग में कम से कम 40% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए योग्यता 35% है। समूह चर्चा केवल एक अधिकारी परीक्षा होगी और योग्यता साक्षात्कार और लिखित परीक्षा पर आधारित होगी, जिसमें परीक्षा में 80% वेटेज होगा और साक्षात्कार के लिए 20% वेटेज दिया जाएगा। BOI भर्ती 2020 : पात्रता। चूंकि पदों के विभिन्न स्तर हैं, इसलिए प्रत्येक पद के लिए पात्रता स्तर अलग अलग है। हालांकि एक उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होने और आवेदन करने के लिए पात्र होने के लिए कम से कम 20 वर्ष की आयु होनी चाहिए। वरिष्ठ स्तर के पदों के लिए अधिकतम आयु 38 वर्ष रखी गई है। मध्यम और कनिष्ठ स्तर के पदों के लिए ये 35 और 32 वर्ष है। शिक्षा योग्यता भी पद के अनुसार बदलती रहती है। शुल्क उम्मीदवारों को ₹850 का शुल्क देना होगा, जिसमें आवेदन शुल्क और अंतरिम शुल्क शामिल हैं। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क ₹175 है। वेतन कनिष्ठ प्रबंधन स्तर की नौकरियों या ग्रेडाइन नौकरियों के लिए चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह ₹42,020 का भुगतान किया जाएगा। ग्रेड 1, 3 और 4 स्तर की नौकरियों के लिए मासिक वेतन क्रमशः ₹45,950, ₹51,490 और ₹59,170 तक होगा। डंडा